सही मोमेंट का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? सही मोमेंट का इंतजार करते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर अपने आप को एजुकेट करने के लिए। सही समय आएगा और इस सही समय के चक्कर में आदमी क्या बन जाते हैं? कंगाल। भैया कंगाल और कंगाल में सिर्फ शब्दों का एक भेद है, बाकी है एक जैसे। समझ आ रहा है? कंगाल और कंकाल ये क्या है? उसको कंकाल बोलते हैं और जो बिना पैसों का होता है उसे कंगाल बोलते हैं। तो कंगाल और कंकाल सिर्फ शब्दों का थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी है एक जैसे। इसके पास में मांसी जान नहीं और उसके पास में कुछ है ही नहीं उसके पास। समझ आ रहा है भैया? तो भैया सही समय जीवन में कभी आता नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं जब हम लोग किसस में आए थे शुरू शुरू तो हम लोग भी थोड़े पंडितों की बात बहुत मानते थे। तो जब हमको गाड़ी लेनी होती थी फिर हम पहले पंडित जी को पूछते थे कि पंडित जी डेट भाई कौन सी डेट सही है, उस डेट में लेंगे। क्योंकि गरीब आदमी ना, मेरे को मनीष राम की बातें बड़ी याद आती है। दिल्ली में इसने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये बिजनेस सीखने सिखाने का तो है ना। कुछ चीजें हम नीचे से सीखते हैं, कुछ आप लोग ऊपर से सीखते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो मेरे को मनीष की बात बड़ी याद आती कि भैया गरीबों की जिंदगी में ना सिर्फ भूत प्रेत ही चलते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो हम लोग जब शुरू शुरू में बिजनेस थे, शशिकांत को याद होगी बात, हम लोग क्या करते थे पंडित जी के पास जाना कि भाई हमको लेनी है गाड़ी, आप बताओ शुभ मुहूर्त कब है। फिर पंडित जी अपनी वो पोथी खोलते थे, शुभ मुहूर्त बताते थे, गाड़ी की लेनी किसने? मैंने। समझा नहीं आया? पैसा किसका? अब शुभ मुहूर्त देखा मैं किससे? पैसा कमाते हुए शुभ मुहूर्त नहीं देखा। समझा नहीं आ रहा? लेकिन हाँ गाड़ी लेने की हम शुभ मुहूर्त, तो तीन चार गाड़ियां हमने वैसे ही ली शुभ मुहूर्त देखते देखते। लेकिन उसके बाद हमने जिंदगी में कभी शुभ मुहूर्त नहीं देखा। उसके बाद जब हमने अपना मन देखा कि हमें कब लेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए ध्यान दीजिए कि जिंदगी में कभी सही समय आता नहीं है, सही समय आपको लाना पड़ता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं तो कंगाल और कंकाल वाले हालात हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इस वक्त शुरू करूँ। जब भी आप जाते हो कहीं किसी के आदमी बताते हो, मैंने हाल ही में किसी ने बोला कि नहीं मैं जो अभी वो आ रहा है क्या था नवरात्रे थी, नवरात्रों के बाद में शुरू करूंगा। एक जान पहचान अब वो टाइम हो गया ज्यादा, और जब ज्यादा टाइम हो जाता है कि जहां समय ज्यादा लग जाता है ना वो चीजें फिर खराब हो जाती है। समझ आ रहा है? तो जो होता है वो गर्मा गर्मी में होता है, तो जब वो ज्यादा समय लग गया वो ऑटोमेटिकली सेल भी खराब हो। तो इसलिए जिंदगी में कभी सही समय आता नहीं, जो मिल रहा है वही सही है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि भूख में चने भी बादाम का काम करते हैं, करते नहीं करते? अगर भूख लगी हो ना तो चने भी ऐसे लगेंगे जैसे आप बादाम खा रहे हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब हम छोटे छोटे थे हम क्रिकेट खेलने दूसरे गांव जाते थे, तो भैया छोटे छोटे बच्चों को तो खाने पीने को कोई पूछता ही नहीं है, बड़ों की तो फिर भी पहचान लेते हैं ये आदमी वो है, बच्चों को कौन जानता किसका बेटा है। तो पड़ोस के गाँव में जब जाते थे फिर जब वापिस आते थे तो भूख लगी होती थी, दुकानें होती नहीं थी क्योंकि बहुत सारा हमारे हिमाचल में पैदल चलना पड़ता था। तो हम लोग रास्ते में ना घास में कुछ लगा होता है उसको छोटा छोटा मटर टाइप का लगा, हम उसी को छील के खाते हैं जो मिल रहा है अंदर। अगर कहीं कच्ची मटर हो, मटर होते ना छिलके वो उसी को खाते हैं। तो भैया पेट भरना था, तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो सही समय का कभी इंतजार नहीं करना, जो मिल रहा है उसी में कुछ करके उसको सही करना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो चल रहा है सदा उससे भी पूरा क्या हो सकता है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर जो चल रहा है इसको आप अच्छा समझते हो तब तो भैया फिर आपको अच्छा समय देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा नहीं है बुरा समय चल रहा है फिर भी अगर आप अच्छा समय ढूंढ के करना चाहते हो तो मेरे दोस्त कभी भी ऐसा जीवन में समय नहीं आएगा। अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हालात क्या हो जाएंगे? कंकाल और कंगाल वाले हो जाएंगे। समझ आ रहा है? चलिए अगले। कितने लोगों ने गाड़ी चलाई ऐसे?
आजकल रांची में बहुत सिस्टम फॉलो होता है, चलान कट के ना घर पे पहुंच जाते हैं, समझ आ रहा नहीं? बड़ा एडवांस सिस्टम हो गया। पहले रांची का एडवांस नहीं, पहले तो रांची वालों को ना जो यहाँ ट्रैफिक पुलिस थी, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करते थे, उनको पता नहीं था लाइट लगानी कैसे, एक जगह से छोड़ देते थे, फिर आपस में फंसे होते थे। तो अब थोड़ा एडवांस सिस्टम आ चुका है, अब यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी है, उससे पीछे रहना पड़ेगा। जो रांची में ड्राइव करते हैं उन्हें पता है। कभी ऐसा हुआ कि आप फंसते निकले, आपको बस लाइट यही मिल रही है, मिला कभी किसका साथ? बोला यार क्या किस्मत है। कई बार ऐसा होता है, मैं जब चंडीगढ़ में सफर करता हूँ, तुरंत हम लोग एक लाइट क्रॉस करते हैं, दूसरी लाइट की ग्रीन मिलती है, फिर अगला। कई बार ऐसे टाइमिंग बैठ जाती है, लेकिन हर बार अगर आप ये सोचोगे कि आपकी लाइफ में हमेशा ग्रीन लाइट मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा, अच्छा मोमेंट मिलेगा, अच्छा आपके पास में उधर माहौल रहेगा, ऐसा कभी समय नहीं आता। अच्छा समय कभी नहीं आता है, अच्छा समय को निर्दोष लाना पड़ता है, कभी रुक कर तो कभी बढ़कर। समझ आया क्या? समझ रहे हो? तो हमेशा एक चीज याद रखो मेरे दोस्त, कि हमेशा जीवन में ऐसा सिग्नल आपको कभी नहीं मिलेगा, तकलीफें भी आएगी, खुशियां भी आएंगी, समझ आ रहा है? हर समय आएगा। खाली ये नहीं है कि भैया आप ही लोगों की खेती बाड़ी होती है, हम लोग कौन से, हम रिफ्यूजी हैं क्या? है सतीश ठाकुर रिफ्यूजी, शशि कांत रिफ्यूजी, आजाद प्रजा, रोज प्रजा, हम सब रिफ्यूजी लोग हैं, हमने तो खेत देखे नहीं है, हम ऐसे लोग हैं क्या? भैया हिमाचल आओगे, मैं आपको कह बोला ना कि भैया मैं दिखाऊंगा कि हम कितनी मेहनत करते थे, हमारे भी सेब होते हैं और साल के 10-10 लाख के सेब होते हैं, शायद आपके 10 लाख के धान नहीं होता, समझ आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन हमारे 10 लाख के सेब हो जाते हैं भाई। लेकिन ये याद रखो मेरे दोस्त, जब से इस बिजनेस में हमने कदम रखा है, तब से हमने अपने खेतों में कदम नहीं रखा। हाँ मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका धान आपका जीवन बदल सकता है, तो आप शौक से धान रोपाई कर दिए, जिंदगी बदल। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है नहीं बदल सकते, तो मेरे दोस्त से शौक में डट कर मेहनत करिए, सच्चे तन मन धन से काम करिए, लगन से काम करिए। मैं दावे से बोलता हूं कि 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वो सारे के सारे करोड़पति की किस्म में, सारे के सारे। लेकिन बहाने हमारे बड़े हो जाते हैं, हमारे एक्सक्यूजेस बड़े हो जाते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े बहाने हो जाते हैं जिसके सामने ये बिजनेस बहुत छोटा लगने लगता है। आप लोगों के खुद के घर के काम खत्म नहीं होते भैया, एक बात बताओ, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम लोगे, अगर आप इस बिजनेस को हल्के में लोगे, तो बिजनेस भी आपको हल्के में ही ले, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कभी इस बिजनेस को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। ये बिजनेस ऐसा है जो बट्टा में काम करने वाले जो हस्बैंड वाइफ थे राजेश राव सुको राव, इनको करोड़पति बना देती है। ये बिजनेस ऐसा है कि दुनिया में ना रहने वाले कृष्णा और राम को आज उनके बच्चों के अच्छा जीवन दे रहा है। ये बिजनेस में वो ताकत जो हमारे खेत खलिहान में ताकत नहीं। इसलिए चीजों को समझिए कि जिंदगी में कभी अच्छा समय आएगा नहीं, जो है उसी को ही अच्छा बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे संजय राव ने पहले बात बताई थी, सब बदल सकते हैं, बीवी नहीं बदल सकती, पति नहीं बदल सकते, जो जी मिली है ना उसी को ही मेकअप लगा के चमकाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, है क्या? सुखो के बाद कोई रास्ता नहीं है, यही है। किसी के बाल कभी ऐसे करो, कभी टेढ़े करो, कभी लाल करो, कभी पीले करो, बस यही है। समझ आ रहा है? तो मेरे दोस्त जो मिला है उसी को ठोक बजा के सीधा कर दो, उससे अच्छा समय कभी नहीं आएगा क्या? अरे भैया किस्मत अच्छी है, हम गरीबों की किस्मत अच्छी है कि किसी महान इंसान के दिमाग में आया होगा कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप वाला बिजनेस स्टार्ट करते, ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा किसी ने, उसके बाद हमारे डायरेक्टर की सोच में किया चलो हम भी ऐसा बिजनेस तैयार करते, उन्होंने अपनी कंपनी खोली,
कहीं ना कहीं ये बिजनेस जाने अनजाने हम लोगों को मिल गया। वरना यार सोच लो हम कहां होते आज, कहां होते भाई। मैं नौकरी कर रहा था 10,000 रुपया महीना, बहुत मुश्किल से आता था। सारे लोग भटक रहे, जितने भी लोग सब भटक रहे थे। जितने आज तंग कर बैठे ना कुर्सी में यहाँ सोफे पे, बाबू टाइप के लोग दिख रहे हैं जिनके चश्मे नहीं उतर रहे, इनकी पतलून उतर रही थी उस टाइम, हालत खराब थी, हम सभी की हालत खराब। सोच के देखो खुश नसीब लोग हैं कि आज हमें इतना खूबसूरत बिजनेस मिला है। तो इस आज को पहचानो, इस आज की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, इसको वैल्यू दो। जब हम इसको वैल्यू देंगे तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली हमारे को वैल्यू देगा। समझ आया? yes. समय नहीं खराब करना, समय बिल्कुल नहीं खराब करना। मैं एक चीज बार बार अक्सर कहता रहता हूं कि समय खराब करने का मतलब है जिंदगी खराब करना। और इसकी ना कोई टेक मतलब कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है इसकी, पता नहीं लोगों के अंदर इनबिल्ड है, ऑटोमेटिकली आता है कि समय कैसे खराब करना। वो कहीं भी समय खराब कर लेता है, समझा रहे हैं? उसको सिखाना नहीं पड़ता कैसे समय खराब करना। एक रिटायरमेंट जिस इंसान ने ली होगी, शशिकांत माधव साहब है मेरे पिताजी, वो रिटायर हो चुके हैं नौकरी से। अब भैया उनको निकालना है टाइम, क्योंकि सरकार ने पेंशन तो दे दी है, अब टाइम कैसे निकालना। फिर वो टाइम निकालते हैं, कभी दुकान में बैठेंगे, कभी दूसरे दुकान में बैठेंगे, कभी चाय वाले के पास बैठेंगे, कभी बाल काटने वाले के पास बैठेंगे, कभी ताश खेलने वालों के पास बैठेंगे। तो बस निकालना क्या है, टाइम निकालना। तो ये टाइम निकालने की ट्रेनिंग कैसे नहीं मिलती है? ये लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली हुनर होता है कि टाइम बस कैसे खराब करना है। चार बातें यहाँ पे बात कर लेंगे, चार बातें यहाँ पे आके कर लेंगे, चार बातें यहाँ, दिन खत्म। बस अगला दिन, एक दिन खत्म तो हफ्ता खत्म, हफ्ता खत्म तो महीना खत्म, महीना खत्म तो साल खत्म। सोच देखो जब से कोरोना आया है, 2020 तो वैसे ही गया, 2021 भी गया, 22 भी गया, हमने किया क्या भाई इन तीन सालों? कुछ नहीं किया, बस निकाला क्या है, टाइम निकाला। अरे मत बोलो मेरे दोस्त, एक टाइम नहीं निकाल रहा, यहां टाइम नहीं कटता है, यहां आप अपनी जिंदगी काट रहे हो, अपनी सांसें काट रहे हो। इसलिए थोड़ा चीजों को समझो, दिन खराब मत करो, जो समय मिला है उसकी कदर करो। सही समय कभी आएगा नहीं, समय को सही बनाना पड़ेगा, इस पे काम करो। कभी जीवन में ग्रीन सिग्नल आएगा नहीं, रेड भी आएगा, येलो भी आएगा, सब आएगा, लेकिन वो सब के बाद होगा। पहले खड़ा किसे होना है, किसे होना है, खुद को खड़ा होना। समझे? तो तैयार है? इधर जाना है 2023 में, पैसा देकर। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, हम ऑप्शन दोनों देते हैं। बताइए इतना बढ़िया चीज है, कंपनी में नहीं मिलती, हम सिस्टम वाले जरूर देते हैं। फिर भी अगर हमसे शिकायत है तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हम दोनों रास्ते देते हैं, पैसा देकर भी जा सकते हो और फ्री में भी जा सकते हो। तो फ्री वाले कितने, पैसे देकर जाने वाले कितने? एक नहीं उठा रहा। और फ्री में जाने वाले कितने? वाह, ताली हो जाएगा। हो सकता है इस बार, हो सकता है क्योंकि इस बार वाला सबसे आसान टारगेट दिया है भाई, सबसे आसान टारगेट। और जितनी सारी चीजें आज से जब हमें मुहैया करवा रही है, जितनी सारी चीजें आज हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करवा रही है, अवेलेबल करवा रही है, और मुझे लगता है अगर हम वैसे ध्यान दें, अपने सारे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, स्पीकिंग भागवत गीता पे ध्यान दें, हनुमान चालीसा पे ध्यान दें, स्मार्ट स्टार पे ध्यान दें, उसके अलावा सूट साड़ी बर्तन पता नहीं कितने आइटम उन पे अगर ध्यान दें, तो मेरे दोस्त जैसे मेरे का टारगेट आप एक हफ्ता दो हफ्ता रहते हुए जीत लो। समझाया नहीं? अभी कोई बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई क्या है मालूम? टारगेट जीतना कोई बड़ी लड़ाई नहीं, जैसलमेर जीतना राजेश कोई बड़ी लड़ाई नहीं, थाईलैंड जीतना, अबू धाबी जीतना, यूरोप जीतना कोई बड़ी लड़ाई नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई क्या है जानना चाहोगे? सबसे बड़ी लड़ाई है खुद को जीतना। समझे? समझे बात? मन के जीते जीत है, और मन के हारे।
सबसे पहले एक लाइन लिखी थी कि विश्वास ही सफलता है। समझ आया नहीं? जिसको विश्वास है वो जैसलमेर जाएगा, जिसको नहीं है वो अपने खेत खलिहान में जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया?